असल फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज ही YouTube की तरफ से एक अपडेट आई है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो अपने Google AdSense के अकाउंट के अंदर जाएं और अपनी टेक्स्ट इन्फो को फिल करें। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा अपने भाइयों को कि किस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट इन्फो को फिल कर सकते हैं। मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। देखें, मैंने वीडियो के अंदर अपना मोबाइल यूज़ किया है, छोटी स्क्रीन है, आप जब बड़ी स्क्रीन पर करेंगे, लेकिन उसमें मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है और आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैसे तो मैं यूट्यूब की अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनाता, लेकिन जब भी कोई खास इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ होती है यूट्यूब की तरफ से, तो डेफिनेटली वो मैं मतलब शेयर ज़रूर करता हूँ अपने भाइयों से। तमाम भाइयों से बोलूँगा कि अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में अपने इस भाई की वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा भी भला हो जाएगा और उन भाइयों का भी हो जाएगा जो क्रिएटर्स हैं, जो जिन बेचारों को समझ नहीं है। सो पहली बार तो भाई के चैनल के ऊपर आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, करते रहते हैं, आई लव यू ऑल। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी गाइज, स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है किसी ना किसी के काम आ जाए। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, राइट? आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, सिर्फ स्टेप्स को ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप बड़ी स्क्रीन पे करेंगे भैया तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आज आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, ये मेरा एडसेंस का अकाउंट खुला हुआ है, आप सबसे नीचे देख रहे हैं एड टेक्स इन्फो, इस पर आप करोगे क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे रिकन्फर्मेशन, आपसे ही पासवर्ड मांगेगा, आपने दोबारा से पासवर्ड देना है और हम कर देते हैं यहां से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये पेज आपके सामने आ जाएगा। मैं बहुत शॉर्टकट वे में जो एग्जैक्टली जो करना है मैं अपने भाइयों को वो बताऊंगा। ओके, अभी देख रहे हैं इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, सो आपने चेक लगाना है इंडिविजुअल पे, राइट? और इसको हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे। नहीं जी, मैं अमेरिका में नहीं रहता। ऑफकोर्स अगर आप नहीं रहते तो आपने नो करना है, राइट? और हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पेज को नीचे करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे, सो आपने सबसे पहला वाला ऑप्शन को चूज़ करना है, उसके बाद स्टार्ट इस पर अपने क्लिक कर देना है। ओके, ये आपके पास पेज आ जाएगा। मैं पेज को बिल्कुल शुरू से ले आता हूँ। देखो, आपका नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, राइट? ठीक है, आप फिर से देख लो, ठीक है, टेक्स्ट आइडेंटिटी में जाके, राइट? ओके, यहाँ पर आने के बाद आप ये देख रहे हैं कंट्री, आप जिस कंट्री में भी रहते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद पेज को हम करेंगे थोड़ा सा अच्छा। यहाँ पर आपने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ YOUTUBE यूट्यूबर एंड ब्लॉगर, ठीक है, बिजनेस नेम, सो मैं अपने ये दे देता हूँ, कंट्री मैंने पाकिस्तान दे दी। ओके, यहाँ पर जब आप पेज पे नीचे आएंगे आपको नज़र आएगा फॉरेन टेन, TIN, राइट? ये बेसिकली क्या है, ये अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर यानी CNIC नंबर, अगर आप इंडिया से हैं तो आपका आधार कार्ड, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वो आपको नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। सो मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, अपना CNIC नंबर डाल देता हूँ, यानी आपको अपना, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा। बहुत अच्छे से डालिएगा अपना जो भी आपका नंबर होगा, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, बहुत ध्यान से डालिएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे नेक्स्ट, राइट? अब देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं फिल करता रहूँगा ना वो ऊपर जा रही है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये रहा, राइट, मेरा आईडी कार्ड नंबर, ये रहा। ओके, उसके बाद आपके पास नंबर टू पे आएगा एड्रेस, राइट? इस पर आप कर दोगे, चेक लगा दोगे, राइट? पाकिस्तान में आप रहते हो और एड्रेस लाइन यानी आपके आधार कार्ड पे, आपके CNIC पे, आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है जो आपने एडसेंस वालों को दिया हुआ, राइट, एग्जैक्टली वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, उसको मैं हाइड कर दूंगा। ओके जी, आपने एड्रेस डालने के बाद आपने सिटी, जिस सिटी में भी आप रहते हैं आपने वो सिटी डालनी है। सिटी डालने के बाद आपने जो भी आपका एरिया पोस्टल कोड होगा वो आपने पोस्टल कोड डालना है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, राइट, इस पर आपने चेक लगा देना है और हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो जो आप डिटेल्स भरते जाएंगे वो ऊपर जाती जाएंगी। नंबर थ्री पे देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट ट्रिएटी, राइट, इस पे आप आएंगे। ओके, इस पे आपने करना है यस, यस पे चेक लगाएंगे, राइट? ओके, जब आप यस पे चेक लगाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे भी चेक लगाएंगे, राइट हो? उसके बाद आपकी जो भी कंट्री होगी, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से देख लो, नंबर थर्ड पे,
ठीक है। नंबर थर्ड पे आपने यस सेलेक्ट करना है, यस के बाद राइट आपने यहाँ पे इस पे चेक लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप जिस कंट्री में भी रहते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। पेज को नीचे करेंगे, ओके जी। यहाँ पर सर्विसेज, क्योंकि एडसेंस की सर्विसेज तो मैं यहाँ पे इस पे चेक लगा दूंगा, तो आपने भी एडसेंस की उस पे चेक लगानी है, ओके। यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे मतलब इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद विदहोल्डिंग रेट, इस पे जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा ज़ीरो, ठीक है भैया, ज़ीरो पे कर दिया, ओके। उसके बाद आपका ये सारा डिटेल, नाम आपका दे देगा, राइट आपने यहाँ पे चेक लगा देना है, राइट। उसके बाद आपने इन दो पे चेक नहीं लगाना, आपने करना है नेक्स्ट। राइट नेक्स्ट करने के बाद देखो जो जो डिटेल्स हम भरते जा रहे हैं सब ऊपर, नंबर फोर्थ पे हमारी वो हो गया डॉक्यूमेंट प्रीव्यू हो गया, ठीक है। इस पर हम चेक लगा देंगे, चेक लगाने के बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो नंबर फाइव भी हो गया, ओके नंबर फाइव भी हो गया हमारे पास, ओके। इसको थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे, राइट। अब जो आपका फुल लीगल, जो आपका आपका आधार कार्ड पे, आपका CNIC कार्ड पे, नेशनल आईडी कार्ड पे, जो भी आपका नाम है आपका, वो नाम आपने देना है। मैं अपना नाम दे देता हूँ, जैसे सैयद KHURRAM खुर्रम ANWER JILANI जिलानी, ठीक हो गया। आपने जो भी एडसेंस वालों को अपना आधार कार्ड या CNIC जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर दिया हुआ है उस पे जो नाम आपका मेंशन है वो नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये देख रहे हैं ये कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, यस इस पे यस करना है आपने। पेज नीचे करेंगे और हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास देखें हमारी ये नंबर सिक्स, ये भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, राइट। यहाँ पर आपने करना है नो, नो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेक लगा देना है, राइटो, ओके। उसके बाद ओके, अब देखें ये कह रहा है कि आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट, आपने करना है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। अगर आपने अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के ऊपर मतलब पहले से पेमेंट लेते आप ले रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे चेक लगाना है, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो पे। उसके बाद इस पे चेक लगाना है, सिंपल, राइट। उसके बाद अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना चेंज, देखो अगर तुम यहाँ पर चेक लगाओगे ना, ठीक है, अगर तुमने नाम एडसेंस का नाम चेंज किया है, इससे पहले किसी और के नाम पे था, तो ये वो वाला सीन है, तो तुम यहाँ पर उसकी डिटेल तुम्हें लिखनी पड़ेगी। सो खैर हम जाएंगे सिंपल प्रोसेस के अंदर, उसके बाद हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। ये हमारा फाइनली सबमिट हो गया है। अभी मैं आपको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए अभी इनकी तरफ से ईमेल भी आएगी मेरे पास, ठीक है। ये देखिए जी क्लेम्ड लिखा हुआ आ गया और स्टेटस आ गया अप्रूव, और देखिए हमारे पास मेल भी आ चुकी है, और मैं अपने भाइयों को मेल भी दिखा दूं। ये देखिए योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक हो गया। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सपोर्ट का हमेशा से शुक्रिया अदा किया है, हमेशा करता रहूंगा। आई लव यू ऑल, बहुत सारा ख्याल रखना।